बेसिकली आज हम इस आलस्टेंग ग्रिड को यहाँ पे विजिट करने आए हुए हैं. मेरे साथ ऑनरेबल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नईम अख्तर साहब, ऑनरेबल एमओएस मैडम आसिया साथ हैं, कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे हृदय जी, डेवलपमेंट कमिश्नर हमारे साथ हैं. क्योंकि ये जो ग्रिड है जिससे पूरे कश्मीर वैली का एक पावर का निज़ाम जो है, पावर का सिस्टम जो है वो चेंज होगा, ये काफ़ी देर से एबेंडन है. पिछले लगभग 10 सालों से इस पर कोई काम नहीं हुआ. मुझे बड़ी बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि लगभग 2008 से लेकर आज 2018 हो गया, जिसमें तीन सरकारें चली. एक सरकार पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यहाँ सबका चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब भी पावर मिनिस्टर रहे, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई. मुझे लगता है कि हमने इसको दोबारा से अभी टेकअप किया है और बड़ी स्पीड से हम चाहते हैं कि इस ग्रिड को हम कंप्लीट करें. इस ग्रिड में 220, 132, 132, 33 इस प्रकार का सारा लाइन का काम है और ट्रांसफार्मर्स का काम है. इससे हम बांडीपुरा को भी फीड कर सकते हैं, इस लाइन से हम कारगिल लाइन को भी फीड कर सकते हैं, और विंटर्स में जो पूरे एंटायर कश्मीर का जो पावर लोड हमारा इंक्रीज होता है, हम उस लोड को भी बियर यहाँ इस ग्रिड से कर सकते हैं. तो उस प्रिपेयर्डनेस को देखते हुए, खासकर विंटर्स को देखते हुए, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. मुझे लगता है कि इससे पूरे कश्मीर वैली में पावर सेटअप में ही बहुत बड़ी चेंज आएगी, और जिसके लिए आज हमने ऑफिसर्स के साथ यहाँ पे विज़िट किया और जो कंट्रैक्टर्स हैं उनके साथ भी मैंने पर्सनली बात की कि ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है आपके लिए भी, स्पीड से हमें ये काम कंप्लीट करके दे दीजिए.